हेलो गाइस, साइंस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम कौन सा है? इसका राइट आंसर है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की खोज कब और किसने की? इसका राइट आंसर है वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वास्को डी गामा जब 1498 में कालीकट पहुंचा तो वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक जमोरिन था और जमोरिन ने इसका यहां पे स्वागत किया था। तो वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा था तो ये गुजरात के पथ प्रदर्शक अब्दुल मनित की सहायता से वहाँ पर पहुँचा था। क्वेश्चन नंबर फोर, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? इसका राइट आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये 1505 में पुर्तगाली गवर्नर बनकर यहाँ पर आए था। क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है अल्बुकर्क, तो ये 1509 से 1515 तक था। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पुर्तगाली वायसराय मार्टिन फ्रांसिस के साथ कौन सा ईसाई संत भारत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है फ्रांसिस जेवियर। क्वेश्चन नंबर सेवन, पुर्तगालियों ने गोवा को राजधानी कब बनाया था? इसका राइट आंसर है 1530 में। क्वेश्चन नंबर एट, 1661 में ब्रिटेन के युवराज चार्ल्स द्वितीय का विवाह किस पुर्तगाली राजकुमारी के साथ हुआ था? इसका राइट आंसर है राजकुमारी कैथरीन। और इसके साथ ही पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को मुंबई शहर दहेज में दे दिया था। क्वेश्चन नंबर नाइन, भारत में व्यापार के लिए प्रथम डच कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है 1602 में। क्वेश्चन नंबर टेन, भारत में डचों ने पहली कोठी कहाँ खोली थी? इसका राइट आंसर है मसूलीपट्टनम में 1608 में, और ये मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, वेदरा का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? तो वेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था, जिसमें डच अंतिम रूप से पराजित हुए थे, और यह हुआ था 1759 में। वेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेज एवं डचों के बीच हुआ था, जिसमें डचों की हार हुई थी और वो यहां से चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? इसका राइट आंसर है जॉन मिल्डन हॉल। क्वेश्चन नंबर 13, 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी ने कंपनी को कितने वर्षों के लिए भारत से व्यापार करने की अनुमति प्रदान की? इसका राइट आंसर है 15 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1608 में कौन जहांगीर के दरबार में आया था? इसका राइट आंसर है कैप्टन हॉकिंस, और यहाँ पे व्यापारिक संबंध के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन ये असफल रहा और 1613 तक ये भारत में रहा। क्वेश्चन नंबर 16, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी थी? इसका राइट आंसर इंग्लिश खां। क्वेश्चन नंबर 17, मुगल शासक जहांगीर ने अंग्रेजों को किस स्थान पर स्थायी रूप से एक कारखाना स्थापित करने की आज्ञा दी? इसका राइट आंसर है सूरत, ये गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब पहुंचा था? इसका राइट आंसर है 1615, और ये 1618 तक रहा, और ये व्यापारिक संबंध बनाने में सफल रहा। क्वेश्चन नंबर 19, विलियम नॉरिस किसके दरबार में आया था? इसका राइट आंसर है औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 20, मद्रास की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है फ्रांसिस डे।
क्वेश्चन नंबर 21, मुंबई की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है चार्ल्स गेराल्ड अंगियार। क्वेश्चन नंबर 22, चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर मुंबई को कब दिया था? इसका राइट आंसर है 1868 में। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है जॉब चार्नक। क्वेश्चन नंबर 24, फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर कौन था? इसका राइट आंसर है सर चार्ल्स आयर। क्वेश्चन नंबर 25, डेनमार्क की व्यापारी कंपनी की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है 1616 में। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में व्यापार करने के लिए प्रथम फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर है 1664 में। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में फ्रांसीसी सबसे पहले किसके नेतृत्व में आए थे? इसका राइट आंसर है फ्रेंको कैरो। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है फ्रांसिस मार्टिन को। क्वेश्चन नंबर 29, किस फ्रांसीसी गवर्नर ने भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? इसका राइट आंसर है डुप्ले। और लॉर्ड वेलेजली ने भी हस्तक्षेप की नीति को अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 30, बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला प्रेसिडेंट कौन था? इसका राइट आंसर है चार्ल्स आयर। क्वेश्चन नंबर 31, अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी हुगली में कब खोली थी? इसका राइट आंसर है 1651 में। क्वेश्चन नंबर 32, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 23 जून 1757 में। और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जबकि सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था। और यहाँ पर मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, जिसमें सिराजुद्दौला की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। यहाँ पर त्रिगुट और अंग्रेजों के बीच हुआ था। त्रिगुट में बंगाल का नवाब पीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे। और इन त्रिगुट को अंग्रेजों का द्वारा पराजित किया गया था, जबकि अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो था हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन नंबर 34, बंगाल में द्वैत शासन किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। जबकि 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन स्टार्ट किया गया था, और 1935 के एक्ट के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स ने, जिसमें मुस्लिम कानून की शिक्षा तथा अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 36, 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है जोनाथन डंकन ने। और यहाँ पर हिंदू विधि एवं दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 37, कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा भारत में शिक्षा के विकास के लिए कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष कितनी धनराशि देना सुनिश्चित किया गया? तो यहाँ पे पहली बार भारतीय शिक्षा पे खर्चा किया गया था और ये दिया गया था 1,00,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 39, किसके सुझाव पर भारत में शिक्षा का माध्यम पूर्णतः अंग्रेजी किया गया था? इसका राइट आंसर लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले लॉर्ड विलियम बेंटिंक का विधिक सलाहकार बनकर आया था। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है वुड डिस्पेस 1854। और
यह भारत में शिक्षा के विकास के बारे में पहला विस्तृत प्रस्ताव था और यह लॉर्ड डलहौजी के समय पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हंटर शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1882 और इसका कार्य प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना था। क्वेश्चन नंबर 42, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर 1917, जिसका कार्य कोलकाता विश्वविद्यालय के संबंध में उचित सिफारिशें देना था। क्वेश्चन नंबर 43, राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1948 और इस आयोग ने शिक्षा के मुख्य तीन उद्देश्यों के बारे में बताया था, सामान्य शिक्षा, सरकारी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 44, किसकी सिफारिश के आधार पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था? इसका राइट आंसर राधा कृष्ण आयोग और इस अधिनियम को 1956 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और किसके समय लागू हुआ था? 1878 में लॉर्ड लिटन के समय और यहाँ पर भारतीय प्रिंटिंग प्रेस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसलिए इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम यानी गॉगिंग एक्ट की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 46, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कवर किसके समय समाप्त हुआ? यह हुआ था 1882 में लॉर्ड रिपन के समय। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 48, पुलिस व्यवस्था में सुधार का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1774 में और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय विधि को संहिताबद्ध करने के लिए किसके अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया था? इसका राइट आंसर लॉर्ड मैकाले और ये किया गया था 1833 में। क्वेश्चन नंबर 51, 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है 1937। क्वेश्चन नंबर 52, वित्त का विकेंद्रीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड मेयो के द्वारा 1870 में। क्वेश्चन नंबर 53, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर लॉर्ड रिपन को। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है 1872 में। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में नियमित जनगणना कब हुई थी? इसका राइट आंसर 1881 में और 1881 से लेकर 2011 तक 15 बार जनगणना हो चुकी है, जबकि स्वतंत्र भारत में ये सातवीं जनगणना थी। जो नेक्स्ट जनगणना होगी वो होगी 2021 में। क्वेश्चन नंबर 55, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? इसका राइट आंसर है चर्बी लगे कारतूस। क्वेश्चन नंबर 56, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था और यहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू हो गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर राजा राम मोहन राय। और यहाँ पर इन्होंने संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार का प्रकाशन भी किया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? इसका राइट आंसर है 1828। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? इसका राइट आंसर है 8 अप्रैल 1857 को।
क्वेश्चन नंबर 61, इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? इसका राइट आंसर है केशव चंद सेन। क्वेश्चन नंबर 62, प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है 1867 में आत्माराम पांडुरंग। और प्रार्थना समाज का जो मुख्य उद्देश्य था, स्त्री शिक्षा को बढ़ाना एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना था। क्वेश्चन नंबर 63, यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया था? इसका राइट आंसर है हेनरी विवियन डेरेजियो। और इसका उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों की आलोचना करना था। क्वेश्चन नंबर 64, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस आंदोलन को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा था? इसका राइट आंसर है यंग बंगाल आंदोलन को। क्वेश्चन नंबर 65, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? इसका राइट आंसर है 1875 में दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 66, किसने कहा वेदों की ओर लौटो? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, और इसका राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 67, स्वामी सर्वानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कब की थी? इसका राइट आंसर है 1902 में। क्वेश्चन नंबर 68, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की थी? इसका राइट आंसर है 1897 में स्वामी विवेकानंद, और रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? इनका जो रियल नेम था वो था नरेंद्रनाथ दत्त, और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था, और 12 जनवरी को इनके जन्मदिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर है मूल शंकर। क्वेश्चन नंबर 71, शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? इसका राइट आंसर 1893 में। और यहाँ पर इन्होंने भारत की समृद्ध परंपरा एवं संस्कृति से पूरे विश्व को परिचित कराया था। क्वेश्चन नंबर 72, बहावी आंदोलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1820 में, और इसके संस्थापक जो थे वो सैयद अहमद थे, और इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों का विरोध करना। क्वेश्चन नंबर 73, किसने बहावी आंदोलन का दमन किया था? इसका राइट आंसर है लॉर्ड एल्गिन। क्वेश्चन नंबर 74, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? इसका राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान ने 1875 में। इसने मुस्लिम धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 75, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की? इसका राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान ने 1864 में, और इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। क्वेश्चन नंबर 76, इजारेदारी व्यवस्था बंगाल में किसने प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य था अधिक लगान वसूल करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? इसका राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। इसको इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं, और यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, कर्नाटक में लागू की गई थी। और इस व्यवस्था में जमींदार को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 78, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब और किसने लागू की थी? इसका राइट आंसर है मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा 1820 में, और इसे मद्रास, मुंबई एवं असम की कुछ भागों में लागू किया गया। इस प्रथा में जमींदार के स्थान पर किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 79, महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका राइट आंसर है लॉर्ड
हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी, और इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 80, प्रथम कारखाना अधिनियम कब बनाया गया था? यह बनाया गया था 1881 में, और इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जबकि द्वितीय कारखाना अधिनियम जो बना था वो 1891 में बना था। क्वेश्चन नंबर 81, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है 31 अक्टूबर 1920 में, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय, और इसके जो महासचिव थे वो थे चमन लाल। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की? 1920 में एमन राय ने की थी, और ये की थी ताशकंद में। क्वेश्चन नंबर 83, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर 30 दिसंबर 1906 में, ढाका में, जो बांग्लादेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 84, बंगाल विभाजन कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 16 अक्टूबर 1905 में। क्वेश्चन नंबर 85, बंगाल विभाजन को कब समाप्त किया गया था? इसका राइट आंसर 1911 में। क्वेश्चन नंबर 86, 1909 का माले मिंटो सुधार किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है पृथक निर्वाचन प्रणाली, इसमें मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली का व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 87, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, और यहाँ पर नरम और गरम दल क्या हो गए थे, एक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 88, कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? इसका राइट आंसर 1907 में, और यह नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गया था। स्वामी सर्वानंद ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया था? इसका राइट आंसर है 1920 में। क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है केशव राव बलिराव हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में की थी। यह एक विशुद्ध हिंदूवादी संगठन है, और इसी से आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में कब प्रस्ताव पारित करके पृथक पाकिस्तान की मांग की गई थी? यह था 24 मार्च 1940 को। क्वेश्चन नंबर 92, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? इसका राइट आंसर 23 मार्च 1943। क्वेश्चन नंबर 93, कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की? कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम ने की थी, और उनके मन में जो कांग्रेस का विचार आया था वो शिमला में आया था, और एओ ह्यूम को शिमला के सन्यासी के रूप में भी जाना जाता है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है मुंबई के गोकुलदास तेजपाल स्कूल में हुआ था, और इसके अध्यक्षता प्रसिद्ध वकील ब्योमेश चंद बनर्जी ने की थी, तथा इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 95, कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रथम महिला स्नातक जिसने 1890 में पहली बार कांग्रेस को संबोधित किया था? इसका राइट आंसर है कादम्बिनी गांगुली। क्वेश्चन नंबर 96, बंदी जीवन पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर सचिंद्र सन्याल ने। क्वेश्चन नंबर 97, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? इसका राइट आंसर है 9 जनवरी 1915 में, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 2003 से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग आंदोलन कब और किसने चलाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है 28 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। उसके बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास से होम रूल आंदोलन चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों को होम रूल यानी स्वशासन का अर्थ बताना था। क्वेश्चन नंबर 99, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? इसका राइट आंसर 1916 में, और यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है।
और आज का अंतिम क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में की थी, और यह लंदन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए हॉस्टल था, और यहीं पर वी डी सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।